हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल कोलकाता का व्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बीजेपी का घर माना जाता है, क्योंकि वाराणसी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र है और योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी का एक मैजिकल इन्फ्लुएंस है उत्तर प्रदेश के ऊपर। अदर साइड रायबरेली जो कांग्रेस का एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर घाटी है, क्या उसमें कौन जीतेगा? तो चलिए इस वीडियो में आप जान लेते हैं कि 80 जो सीट है उत्तर प्रदेश के, उसमें किसको ज्यादा सीट मिलेगा। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश का घर या घर माना जाता है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के लिए वाराणसी मोदी का केंद्र है, तो क्या वहां से 80 सीट से ज्यादा सीट बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा, या रायबरेली अमेठी में कांग्रेस अपना पल्ला भारी कर 80 से सीट से ज्यादा सीट कांग्रेस एनडीए जोट को मिलेगा। कड़ा टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। चलिए देखते हैं इस मेगा ओपिनियन पोल पे किसको ज्यादा सीट मिलते हैं, बीजेपी रिलेटेड एनडीए जोट या कांग्रेस रिलेटेड इंडिया जोट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उत्तर प्रदेश जिसमें है वाराणसी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र, और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें 80 सीट भारत का टोटल लोकसभा सीट है 543, जिसमें 80 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में एक दिन में वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र है, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है और उत्तर प्रदेश के, उसका एक मैजिक चलता है। दूसरी तरफ है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का शक्तिशाली केंद्र अखिलेश यादव जो इंडिया जोन में है, तो कड़ा टक्कर उत्तर प्रदेश में होने वाला है 80 सीटों के लिए एनडीए और इंडिया जोट को। तो शुरू करते हैं अब क्षेत्र से, जहां पर 23 सीट है, जिस 23 सीटों में बीजेपी एनडीए जोट को 18 सीट मिलेगा और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलेगा, जितना भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का वहां पर इन्फ्लुएंस है, लेकिन 5 सीटों से ज्यादा अवरोध क्षेत्र से ज्यादा सीट नहीं मिल पाएगा इंडिया जोट कांग्रेस जोट को। और बीजेपी एक तरफा राज करेगा, बीजेपी एनडीए जोट 18 सीट मिलेगा मोदी योगी आदित्यनाथ बीजेपी एनडीए जोट को अवध क्षेत्र से। अवध क्षेत्र से बात आता है पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र का टोटल 26 सीट्स है। इस 26 सीट्स में बीजेपी भाजपा, आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का बीजेपी एनडीए जोट को 16 सीट मिलेगा। अदर साइड कांग्रेस का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोथरा और अखिलेश यादव का इंडिया जोट को, कांग्रेस रिलेटेड जो महागठबंधन है इंडिया जोट को सिर्फ 10 सीट मिलेगा 26 सीटों से। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र का 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल, जिसमें 16 सीट में, अब अगेन बोल रहा हूँ, भाजपा बीजेपी को मिलेगा इंडिया जोट को 10 सीट, कांग्रेस इंडिया जोट को मिलेगा। यहाँ पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को हराएगा, एनडीए जोट इंडिया जोट के ऊपर भारी पड़ेगा, कड़ा टक्कर होगा, लेकिन 6 सीट ज्यादा मिलेगा बीजेपी को, यानी 16। पूर्वांचल क्षेत्र के बाद आ रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिर्फ 4 सीट है और चारों का चारों सीट ही बीजेपी एनडीए जोट को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया कांग्रेस जोट को कुछ भी सीट नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो बीजेपी को जितना भी सीट है, 4 सीट, 4 का 4 मिल जाएगा, और कांग्रेस इंडिया जोट, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का इतना स्टार स्टार्टेड इंडिया जोट को एक भी सीट नहीं मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश में टोटल 27 सीट है। यहाँ पर कड़ा टक्कर होगा एनडीए जोट और इंडिया जोट के बीच, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी एनडीए जोट को 15 सीट मिलेगा आउट ऑफ 27 सीटों से, जहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा सिर्फ 12 सीट। अगर यहाँ पर भी आप देख पा रहे कि बीजेपी एनडीए जोट 3 सीट ज्यादा मिलेगा इंडिया कांग्रेस रिलेटेड इंडिया महागठबंधन से, 3 सीट यहां पर भी ज्यादा मिलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी एनडीए जोट को। मुस्लिम जो वोट है यहां पर
बीजेपी भाजपा एनडीए जोट को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तीन तलाक जो रद्द हुआ है, इसलिए मुस्लिम का बहुत ही एक गरिष्ठ संख्यक वोट बीजेपी भाजपा को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 80 सीटों में 53 सीट बीजेपी एनडीए जोट को मिलेगा और सिर्फ 27 सीट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव लेकर इंडिया जोट को मिलेगा। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, डबल सीट मिलेगा बीजेपी को, उसका हाफ सीट मिलेगा ऑलमोस्ट कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश का 80 सीट के ऊपर जो मेगा ओपिनियन पोल है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम कोलकाता का अपर ब्लॉग्स के चैनल में आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर हर एक सबसे लेटेस्ट अपडेटेड ताजा खबर हमारा चैनल में आने वाला है। तो अगर अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो जो भी अपडेटेड वीडियो, नया वीडियो, ताजा वीडियो इस चैनल पे अपडेट होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट अस, कीप सपोर्टिंग अस, और लोकसभा चुनाव के हर एक ताजा खबर के लिए प्लीज हमारे चैनल पे वॉच कीजिए ऑल वीडियोज़।